स्वागत है प्यारे बच्चों। देखो आज जवाहर नवोदय के विषय में बता देते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, तो बता दें जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इसका एक कॉलेज दिया जाता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कॉलेज नहीं भी है। तो यहाँ पर सरकार द्वारा बच्चों का ध्यान रखा जाता है, अच्छी फैसिलिटी दी जाती है बच्चों को और CBSE पैटर्न पर पढ़ाई होती है। बच्चों को रहने के लिए प्लस खाने के लिए प्लस जो ड्रेस वगैरह होती है वो विथ शूज के, उसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी होती है, उसके अलावा पढ़ाई की व्यवस्था CBSE पैटर्न पर होती है। उसके अलावा जो रूल रेगुलेशन होते हैं नवोदय के वो बहुत अच्छे होते हैं, वो लोकल के स्कूलों में ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं मिलते। तो एक अच्छी संस्था है, जो गरीब बच्चे हैं या जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने इसकी पहल की थी। ग्रामीण बच्चे जो होनहार बच्चे हैं ऐसे स्कूलों में पहुँचें तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। खेल से संबंधित या ड्राइंग से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आपके पास प्रतिभा है, आपके पास टैलेंट है, तो आप निश्चित ही कामयाब होंगे। ये तो विद्यालय के बारे में मैंने बताया। अब इस वीडियो को बनाने का जो खास उद्देश्य है वो अभी जो एग्जाम हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय का 2024 में 20 जनवरी को, उसके रिजल्ट को लेके, रिजल्ट कब आना है तो बता दें, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट आना है वो मार्च के आखिरी वीक में आना है। यानी ऐसे मान के चलो कि वो 27 या 28 मार्च को आगा। ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं है, ये एक मेरा अपना गेस है कि 27 या 28 मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो है अप्रैल से नया सत्र शुरू होना है। अगर 27 28 में या 25 में या 24 में जारी करते हैं रिजल्ट, तो रिजल्ट के कुछ दिन बाद कॉल करके या हो सकता है ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट करें या नोटिस डालें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लें। डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने के लिए बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कंप्लीट होता है उसका एडमिशन ले लिया जाएगा। तो इस प्रोसेस में अप्रैल का पूरा मंथ निकल जाएगा। फिर बच्चों को बुलाया भी जाएगा सेटल के लिए, यानी मई में बच्चों को, और गर्मी की वजह से बंद भी कर देते हैं तो मई में बुलाएंगे या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में बच्चों को बुला लेंगे। तो अगर अप्रैल से भी सत्र शुरू करते हैं तो जाके जुलाई में रूटीन बन पाएगा शिक्षा, यानी जो ऐसी पढ़ाई है उसका स्टार्ट होने का। तो मेरा मानना तो यही है क्या 27 या 28 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। और अप्रैल के महीने में क्या होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो, और एडमिशन करके आपको बुला लेंगे। चलिए, तो ये तो बात रिजल्ट की हुई। इसके बाद में नए फॉर्म, जो न्यू फॉर्म है क्लास सिक्स के लिए, वो कब आएंगे। क्लास सिक्स की बात कर रहे हैं, क्लास सिक्स के लिए नए फॉर्म कब आने हैं, तो नए फॉर्म का भी ज़्यादा वक्त नहीं है। नए फॉर्म जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के एक महीने बाद इसके नए फॉर्म आ जाएंगे, यानी अप्रैल की लास्ट में इसके नए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल की लास्ट में। और ये जुलाई तक या अगस्त तक फॉर्म पड़ेंगे, उसके बाद में फिर ये, अगर फॉर्म कम पड़े तो आगे डेट बढ़ सकती है, वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमानित ये है नए फॉर्म जो होंगे अप्रैल की लास्ट में आपके आ जाएंगे, रिजल्ट के एक महीने बाद फॉर्म आ जाएंगे। एडमिशन से पहले पहले, पिछली बार भी ऐसी हुआ था कि एडमिशन से पहले नए फॉर्म इन्होंने निकाल दिए थे, आपके भी यही होगा कि नए फॉर्म जो होंगे एडमिशन से पहले पहले आ जाएंगे। अब इसकी स्टडी कैसे करें, तैयारी हम कैसे करें। तो जो बच्चे नवोदय का या जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें बच्चों को नवोदय में सेलेक्ट कराना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा बेटर यह है कि कहीं भी आपके आसपास अगर कोई ऑफलाइन क्लास चलती हो नवोदय की, तो आप उसमें बच्चों का एडमिशन दिला दें। उससे ये रहता है प्रैक्टिकल ज़रूरी है, ऑनलाइन में हम प्रैक्टिकल नहीं करा सकते, ऑनलाइन में प्रैक्टिकल नहीं करा सकते। और बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ये, सिक्स क्लास के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होते,
तो प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल अगर आप कराएंगे तभी बच्चा सफल होगा, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे बैठते हैं तो एकदम आसान नहीं होता निकालना, क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। बच्चे की मेमोरी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें थोड़े अपर रहते हैं, वही बच्चे निकाल पाते हैं जो बच्चे लगभग एक साल डेढ़ साल या दो साल बच्चे तैयारी करते हैं। तो जो होशियार बच्चे होते हैं यानी जिनके माँ बाप जागरूक होते हैं, पेरेंट्स जागरूक होते हैं, तो बच्चा जब थर्ड क्लास में होता है या फोर्थ क्लास में होता है तो बच्चे को तैयारी पर लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चे की स्टडी जब करानी है उसके लिए आपको यही करना है कि आप क्लास थर्ड से ही बच्चे को लगा दें इसकी तैयारी में। बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ऑनलाइन कवर कर सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो रहता है एकेडमिक सिलेबस से थोड़ा अलग रहता है। इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होती है और हिंदी के आर्टिकल होते हैं, तो मैथ बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसमें मैथ को वरीयता दी जाती है, यानी मैथ जो बच्चा अच्छा करता है वही सिलेक्शन ले पाता है। इससे फायदा क्या है, अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी होता है, नवोदय में आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तब क्या फायदा है? शिक्षा देखो कभी भी बेकार नहीं जाती। नवोदय में सिलेक्शन नहीं होता है तो आज जितनी भी वैकेंसी होती हैं अपने इंडिया में, जितनी भी वैकेंसी होती हैं सभी में सिलेबस यही रहता है जो नवोदय वाला पैटर्न होता है। नवोदय में अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है, सारी वैकेंसी देख लो आप सब में मिलेगा। आर्टिकल जहाँ हिंदी मिलेगी वहाँ आर्टिकल भी मिलेगा, और उसके आर्टिकल के अलावा जो हिंदी का और सिलेबस है व्याकरण वाला ग्रामर वाला वो पोर्शन भी आता, वो भी आपको हर एग्जाम में मिलेगा। रीजनिंग होती है, रीजनिंग आकृति वाली होती है, हर जगह मिलती है आपको, हर एग्जाम में बड़े बड़े एग्जामों में मिलती है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो इससे प्रॉफिट है बच्चे को, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। बच्चा सिक्स क्लास में अगर सीख लेगा, अगर बच्चा नवोदय का ऐसा मान लें नवोदय का टेस्ट क्वालिफाई कर देता है तो बच्चों को अच्छी खासी जानकारी होती है, वो छोटे मोटे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल होता है ऐसे एग्जाम को भी क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है। तो बच्चे के लिए जरूरी है कि हमें इसकी तैयारी नवोदय के लिए तैयारी कराएं, और खास कर अगर बच्चा सिक्स क्लास में नहीं कर पा रहा, बड़ा हो गया आपको देर से पता चला, तो बच्चे के नाइन्थ की तैयारी कराएं। नाइन्थ की तैयारी कराने का मतलब यह है कि आपने उसे कंपटीशन में अभी से ही लगा दिया। नाइन्थ की तैयारी अगर कराएंगे बच्चे को तो कंपटीशन में अभी से लग जाएगा, फिर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा आने वाले किसी भी वैकेंसी का जो बच्चा क्वालिफाई ना कर ले। लेकिन बच्चे को क्या करना, लगातार रूटीन से पढ़ाना, छुट्टी बच्चा ना करे। तो इसके लिए ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी मिलेगी क्लास। तो जहां आपके आसपास में ऑफलाइन है, मैं पहले कहूंगा कि आप ऑफलाइन पे ही वरीयता दें, आप अपने आसपास में जो भी ऑफलाइन पढ़ाते हो वहां पे बच्चे को भेजें, जब लेवल बच्चे का अच्छा हो तो ऑनलाइन क्लास उसको दे सकते हैं। हम भी चलाते हैं, ऑफलाइन क्लास हमारी रहती है, ऑनलाइन के लिए भी अभी स्टार्ट किया हमने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ऑफलाइन हम क्लास चलाते हैं। हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, हमारा चैनल है, चैनल पर आप जाकर सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर वीडियो चलती रहती है, उसका नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बात कर सकते हैं, सारी व्यवस्थाएँ हम बता देंगे क्या हैं। तो आप अपने बच्चों को, मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को नवोदय की तैयारी ज़रूर कराएं। इसके अलावा हम सैनिक स्कूल, AMU और जामिया ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कराते हैं। उसके अलावा जो डिफेंस के एग्ज़ाम हैं छोटे, और क्या कहते हैं लेखपाल वगैरह है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी कराते हैं, हम पूरी टीम के साथ कराते हैं। तो आप लगातार बने रहें और हमसे जुड़े रहें, कोई भी जानकारी नवोदय से संबंधित होगी तो आपको मिलती रहेगी, नवोदय से संबंधित, अलीगढ़ से संबंधित, जामिया से संबंधित जो होगी वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। थोड़ी सी जानकारी और देते हैं, जो AMU के हैं, AMU जामिया के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं इस टाइम पे, आप जल्दी करा दें, लास्ट डेट होने वाली है उसकी। इसके अलावा नीट वगैरह के फॉर्म भी पड़ रहे हैं, जो बच्चे नीट से जुड़े हैं वो भी अपने अप्लाई करा दें। और ध्यान रहे, इसका जो रिजल्ट मिल जाएगा आपको सिक्स क्लास का नवोदय का, वो आपको मिल जाएगा 27 से 30 मार्च के मध्य आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ऑफिशियली नोटिस नहीं है कोई, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि 27 से 30 मार्च के मध्य आपको नवोदय सिक्स क्लास का रिजल्ट मिल जाएगा। आप लगे रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।